तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलो। तो टैबलो में हम फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन में हम बात करेंगे आज लॉजिकल फंक्शन की। तो सबसे पहले फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन आखिर है क्या। फंक्शन जैसे कि सबसे पहला फंक्शन इसमें एंड दिया हुआ है, उससे पहले हम इफ को सीखते हैं। इसमें इफ के दो फंक्शन है, एक आपका इफ है और दूसरा आपका आई आई एफ है। दोनों काम सेम है। आई आई एफ में क्या है, बिल्कुल एक्सेल की तरह है कि आप टेस्ट दीजिए और अपनी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, मतलब आपके पास एक ही है इफ, एक ही कंडीशन है उसके बिहार पर रिजल्ट देना है, तो सिंपल सा आई आई एफ का इस्तेमाल कर। ठीक है, दूसरा आपके इसमें इफ है। तो इफ में क्या है कि इफ एक्सेल के वीवीए के जैसा है, इसमें आपको कई सारे कंडीशन एल्स वगैरह लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि इफ दिया प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो देन आपका पहला रिजल्ट है, एल्स ऐसा नहीं हुआ तो आपका दूसरा रिजल्ट है। ठीक है, कंडीशंस है ठीक है ना, ऐसी ऐसी आप एल्स इफ में कई सारे इफ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन ऐड हुआ कि भाई ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो, इसने एल्स इफ का इस्तेमाल किया। देन के बाद यहाँ और लगा के और कंडीशंस को कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है सर आपको जी हाँ। उसके बाद इसके हो गए, तो दो फॉर्मूले इफ और आई आई इफ है। और इफ में आपके पास एक कंडीशन, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है, ऐसे मान लो दो कंडीशन हुआ कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 60 हुआ तो कुछ दे, ऐसे में हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम दो दो यहां पे दिख रहा आपको दो कंडीशन लगते राइट सर। राइट, केस में होता है केस और वेन, मतलब कि केस आप अपना केस दीजिए, अपना कंडीशन केस किस पे लगाना है, रीजन पे, वेन बेस्ट तो वन, वेन इज देन टू, ऐसे कई सारे कंडीशंस सीक्वेंस में है वहां पे इसको लगता है। ये भी एक्सेल में वीवीए में यूज किया जाता है। और इफ में आप एल्स लगाएंगे तो समझाया एल्स हो गया, और एल्स इफ जो मैंने अगर एल्स इफ लगा दे तो एल्स इफ हो जाता है। इसमें एक फॉर्मूला एंड का, तो मान लीजिए कि एल्स के बाद आपको वीवीए एंड करना पड़ेगा ना, सॉरी फॉर्मूला को खत्म करना होगा, तो उसके लिए एंड होता ठीक है। एक इफ फॉर्मूले के साथ होता है, आपका आईएएफ के साथ नहीं होता है ठीक है। इफ ठीक है, आपको इफ से स्टार्ट होगा और एंड से एंड होगा। अब इफ नल देख रहे हैं, इफ नल क्या होता है कि अगर ब्लैंक हुआ तो उसके जगह पे क्या दें, नल हुआ मतलब उसके जगह पे क्या दें राइट सर। तो ये फॉर्म में तो लॉजिकल थे, कुछ और लॉजिकल डेट जैसे इज डेट, अगर डेट हुआ तो ट्रू देगा, इज नल, नल हुआ तो ट्रू देगा, मैक्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू देगी, लेकिन ये इस पे यूज नहीं होता है, सही आपके समरी पे यूज होता है, मीन मिनिमम देता है। नॉट मतलब कि आप कंडीशन लगाना चाहते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं, ग्रेटर देन 20 नॉट मतलब कि ऐसा ना हो। और एंड का ऑपोजिट आपका और है, देन आपने देखा वीवीएम यूज किया, और वेन हमारा कैस इसमें केस में यूज होता है, इसको अलग अलग समझा रखा है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे जे एन होता है कि अगर नल हो तो ट्रू एंड फॉल्स नहीं, जीरो शो करेगा। इसमें से कुछ फॉर्मूला हम आपके साथ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम आई आई एफ जो कि सिंपल एक्सेल के फॉर्मूले से रिलेटेड है हम बात करते हैं। हमारे सामने डेटा है, हम इसकी कैलकुलेशन डेटा पे ही कर दो, डेटा है। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपका ये दिया हुआ जी, मुझे इसमें मान लीजिए कि इंसेंटिव देना है, टोटल यहाँ पे आ गया तो टैक्स हो गया, ग्राउंड टोटल हो गया। अब मुझे इसके बाद एक इंसेंटिव ऐड करनी है, तो इंसेंटिव में रूल ये है कि अगर 60 से ऊपर हुआ तो 500 और 60 से नीचे हुआ तो 100 इंसेंटिव देना है, समझ गया ठीक है जी।
के ऊपर हम जाएंगे और यहां पे जाने के बाद क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहां पे INC देते हैं और सिंपल IIF का फॉर्मूला लगाते हैं, रिजल्ट देते हैं आपका कौन सा है रिजल्ट, क्वांटिटी UTY क्वांटिटी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 देन 500 अदरवाइज 100 फॉर्मूला इज वैलिड, ठीक है जी, अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए, आ गया। अब उसमें एंड यूज कैसे करेंगे, एंड का IIF में एंड का यूज हम कैसे करेंगे, यहां पे एंड आपने देखा था तो क्या IIF यूज होगा या फिर इफ में यूज होगा, तो चलिए हम IIF में यूज करके देखते हैं। तो यहां पे हम एडिट पे जाते हैं और यहां पे हम कॉमा पे देते हैं एंड और लिखते हैं QTYA लेस दैन इक्वल टू 80, फॉर्मूला वैलिड है, कैलकुलेशन वैलिड, क्या रिजल्ट आएगा या कॉस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहां आप लगा सकते हैं और IIF में और कई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे अगर मान लीजिए मुझे इसमें बताया गया है कि दो प्रोडक्ट अगर बेचा जाता है तो एक एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, तो यहीं पे हम क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे जाते हैं एडिशनल INC। तो एडिशनल इंसेंटिव बोला गया है कि अगर आप WRT और क्या बोलते हैं ECT दो प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो आपको 500 मिलेगा अदरवाइज 0 मिलेगा। तो यहाँ पे IIF का इस्तेमाल करते हैं और देते हैं यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब हमें इसको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट है WRT और सेल प्रोडक्ट इक्वल इज सिंगल कोट ECT और इसको बंद कर देते हैं। ऐसा हुआ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए मान लीजिए 500 अदरवाइज 0। यहाँ पे द कैलकुलेशन इज एरर, वर्टेड कॉमा मिलेगा तो इसमें तो नहीं होना चाहिए, नहीं आगे स्कूल टू लगेगा, क्या स्कूल टू लगेगा आगे, नहीं हाँ स्कूल टू नहीं लगता, वैलिड जी सर, क्या एक्सेल यूज करता हूँ ना वैलिड पर भी जी हाँ समझ आ गया जी, आप IIF को समझ गए एंड को समझ गए और को समझ गए जी। जो हमारा आता है मान लीजिए मुझे इंसेंटिव निकालना है लेकिन स्लैब इंसेंटिव निकालना है, इसी को कैलकुलेट करना है, हमने 500-1000 कर दिया लेकिन मेरे पास एक स्लैब है, समझे, स्लैब बताता हूं आपको, मैं यहां पे स्लैब लिख देता हूं कि अगर 0 to 40 हुआ तो इंसेंटिव आना चाहिए, चाहिए 1000 क्या बकेट बन जाएगी, अब बकेट 81 to 100 हुआ जैसे ये इसी हम करते हैं ना, तो यहाँ पे इसके अलावा जो बचेगा उस पे हमें 5000
ठीक है। ठीक है चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और हमने जो आईएनसी वाले कॉलन है इसी को हम चेंज कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। ठीक है ठीक है जी, हम चेंज कर, यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला एफ इक्वल नहीं होगा। अब इसमें ब्रैकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमारा आर्टिकल कहता है। इधर आप यहां पे देंगे एक्सप्रेशन, ठीक है जी। हमने बोला यहां पे क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 40 एंड द रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो इनवर्ट यहां पे हम रिजल्ट बोलते हैं 500। एल्स, एल्स में भी कंडीशन है, तो एल्स इफ कंडीशन क्या है, क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए आपका 1000, ठीक है। फिर एल्स लगेगा यहाँ पे एल्स इफ, और फिर यहां होगा क्वांटिटी, क्वांटिटी इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 100, तो रिजल्ट कमा नहीं देना है, देन देना है, देन रिजल्ट का 2K 2000। उसके बाद एल्स, सिर्फ एल्स देना है क्योंकि उसके बाद 5000 बचेगा ना, एल्स और लास्ट में एंड, ताकि फंक्शन आपका एंड हो जाए, राइट ठीक है। और उसको अप्लाई हुआ और रिजल्ट आपके सामने, ये आपका सब 40 से नीचे ही है, माफ कीजिएगा सब 40 से नीचे ही है, कोई अमाउंट बड़ा नहीं, 53 है, 68 है, 70 आगे तो इसमें आपने क्या सीख लिया, इसमें इफ और एल्स में आपने क्या सीख लिया, एल्स इफ देन एल्स एल्स इफ एंड, ये सब यूज कर लिया आपने जी क्या, और इसी में आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एंड बताना पड़ेगा और का हो जाएगा उसमें। चलिए हम बात करते हैं केस की, तो मैं इसको क्लियर करता हूं रोहित को, केस हमारा है यहां पे, तो इसमें हमें लिखना पड़ा काफी जी, हमें काफी लिखना पड़ा, तो जैसे कि हमने बोला कि वेन वेस्ट, तो यहाँ पे 1 है, वेन देन वेन देन वेन देन इसमें लगाना है, और लास्ट में एस और एंड, इससे भी एंड यहाँ भी एंड होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डेट है, तो हमने इस बगल में हमने एक मंथ का फॉर्म यहाँ पे कैलकुलेट किया, फिल और इसका नाम हमने मंथ दिया, और यहां भी मैं मंथ का फॉर्मूला लगाया और उसमें हमने डेट को ऐड कर, ठीक है ठीक है ठीक है, तो डेट आ गया। अब मुझे इसके इसी के बगल में एक और ऐड करना है, और इसमें 1 2 3 4 ऐसे तो मंथ नेम का फॉर्मूला है, लेकिन मैं मंथ नेम का फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहता, कंडीशन इतनी करना चाहता, तो यहां होगा केस, केस किसके साथ यूज करना है, तो मंथ के साथ यूज करना है, ठीक है, किसके कैसे साथ, यहां पे लिखा है रीजन, रीजन दिख रहा है आपको, रीजन फील्ड का नाम है, अब इसमें फील्ड आपको एक ही बार देना है, बस कंडीशंस रिजल्ट, कंडीशंस रिजल्ट, ठीक है। अब यहां पे वेन देन यूज होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे कि वेन 1 देन रिजल्ट क्या होना चाहिए, जैन,
ठीक है, फिर वहां पर वेन टू रिजल्ट का देन से रिजल्ट, रिजल्ट क्या आना चाहिए फेब, फिर वेन इन्वर्टेड कोमा डबल कर दिया कोमा, हाँ चलता है इसे सिंगल भी दे सकते हैं डबल भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ठीक है, देन उसके बाद देन फिर देन और देन अप्रैल, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हो गया तो अब यहां पे एल्स लगा सकते हैं, एल्स एल्स हम यहां दे देते हैं, एल्स में आ जाएगी ईयर, ईयर ईयर लिखा हुआ है, वैलिड लिखा हुआ आ गया, अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो केस यहाँ पे करते हैं, अगर इसमें अगर केस यूज नहीं करते तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला था ना, जी हाँ, तो केस यूज करते हैं, तो इसमें बाकी फॉर्मूले समझ में आ गए, तो दिक्कत तो नहीं है जी, नहीं, ठीक है ना सर, राइट, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब जैसे कि यहां पे देखिए कस्टमर्स है, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है और हमारे पास सेल्स है ना सर जी, तो अगली क्लास में इन दोनों डेटा को आपस में करना मैं सिखाऊंगा, कि सेल्स ले लिया हमने और फिर यहाँ पे कस्टमर ले लिया, ये दोनों के बीच में देखा इनर ज्वाइन दिख रहा है आपको जी, इनर ज्वाइन में हमने बोल दिया इसकी पीआईडी, और पीआईडी नहीं इसकी सीआईडी होगा, कस्टमर और सेल्स है ना, इसकी पीआईडी इक्वल टू कस्टमर की सीआईडी आईडी। अब यहां पे देख रहे हैं सर दोनों डेटा मिक्स हो गया, ओके, यहां पे कस्टमर की जो सीआईडी थी उसके सामने नेम और सिटी आ गया ना जी, अब इसमें मैं करता हूं सेल, अब सेल्स में प्रोडक्ट को ऐड करता हूं, प्रोडक्ट ऐड हुआ, अब यहां पे हमें ज्वाइन, ये यहां पे ज्वाइन है हमारा, ज्वाइन है तो दो टेबल में, तीसरा टेबल ज्वाइन करना है हमारा, तीसरा टेबल ऑलरेडी ज्वाइन हो गया, ठीक है, ऑलरेडी ज्वाइन नहीं होना चाहिए था, तो किस टेबल के सामने एच डी और यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पी आई डी था और ये जो सी आई डी के सामने इसने नाम लेके आया है, नहीं यहाँ क्वान्टिटी प्रोडक्ट के सामने भी लिखा हुआ है ना, यहाँ देखेंगे ना प्रोडक्ट, यहाँ पे आईडी ऑफ प्रोडक्ट और इसमें नहीं डेटा सोर्स में आईडी नहीं, हाँ डेटा सोर्स में प्रोडक्ट और यहाँ हमने बोल दिया कस्टमर, तीसरा टेबल इसमें रीड ही नहीं कर रहा है, हाँ इस पर क्लिक करना होता, माफ कीजिएगा भूल गया था, इस पर क्लिक करना होता है, अब यहाँ पे मुझे बोलना है प्रोडक्ट है ना, अभी हम हमने सेल्स, सेल्स की पीआईडी इक्वल टू प्रोडक्ट की आईडी, ये ना पीआईडी और यहां पे प्रोडक्ट,
इन्हें जो सही से नहीं लगा सेल्स में। डेटा सोर्स आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। इसमें कुछ चीजें सेम होनी चाहिए ना, पीआईडी और जो प्रोडक्ट डेटा सोर्स और प्रोडक्ट से लगाया है। बेसिकली क्या है कस्टमर, इसमें देखिए इसमें हमने दो को ज्वाइन तो कर दिया तो अच्छी तरह से आ गया डेटा हमारा, ठीक है ना। ये मुझे थोड़ा समझना है कि सीआईडी के सामने कैसे आ गया, दो टेबल यहाँ ऐड कर दिया ना हमने यहाँ से डबल क्लिक करके, ठीक है। लेकिन जो इसके सामने ही कैसे दूसरा नंबर उठा रहा है वो अपने आप रीड कर लिया उसने। अच्छा इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप उठा लेता है, इतना इसके अंदर है समझ है। अच्छा इसी में देखिए एक चीज और भी है कि अगर मैं प्रोडक्ट को यहाँ रखता हूँ तो प्रोडक्ट और बाय डिफॉल्ट कस्टमर के साथ जो है, अब यहाँ पे देखिए आईडी डेटा सोर्स आईडी और प्रोडक्ट में आईडी दोनों मैच हो जाता है। अभी कौन किसका आईडी कर रहा है ये दिक्कत है, तो इसमें आईडी में हमने बोला कस्टमर का आईडी नहीं सेल्स की आईडी, सेल्स की पीआईडी होनी चाहिए। हाँ अब मैच हुआ, ठीक है, उस समय लग रहा है गलत हो गया था, अब क्या हुआ सब सही है, ठीक है। थोड़ा समझना पड़ेगा, हाँ ये आपको कल की क्लासेस में होगा। इसमें दो चीज है, आपका इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, फुल ज्वाइन है, ये सब मैं आपको पहले समझाऊंगा। तो दो टेबल्स में किस तरह से करेंगे हम आपको कल की क्लास में, अब तक आप आईएएस के फंक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। ओके सर, या